सांवेर क्षेत्र के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को जिताना, ये संकल्प हम लोगों ने लिया और भगवान से ये प्रार्थना की है। गुरु का लगातार देखने में आ रहा है कि बीजेपी वाले पैसे का लोभ और प्रभाव वहाँ पर लगा रहे हैं, उसको लेकर आप चुनाव आयोग को किस प्रकार की शिकायत करेंगे? सवाल शिकायत का नहीं है, ये तो जनता से ही के सामने ही आ रहा है। आज इंदौर की कोई फाइव स्टार होटल खाली नहीं मिलेगी, उज्जैन की नहीं मिलेंगी, यहाँ तक कि चारपाई से लेके इस तरीके छोटे छोटे ढाबे हैं उस पर भी स्लिप चल रही है, दारू से लेके पैसा से लेके तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन प्रजातंत्र को, जनतंत्र को इस तरीके से खरीदा नहीं जा सकता है। और जनता इस बात का समझ रही है कि जिस आदमी थाली में डालने के लिए 21-51 रुपये नहीं रहते थे, आज इतनी सारी फाइव स्टार होटलों में कहाँ से पैसा खर्चा कर रहा है और पैसा कहाँ से आया, ये इस ओर इंगित करता है कि करप्शन का पैसा आया है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए लिए गए वो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। निर्दलीय कुछ विधायक भी, निर्दलीय प्रत्याशी भी कुछ लड़ रहे हैं, वो कितना समीकरण बिगाड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मैं जब लड़ता हूँ तो कोई भी कोई समीकरण मेरे को नहीं लगता कोई बिगड़ेगा इनसे। और जनता लाइट लेती है और जनता भी समझती कि लड़ने वाले लोग हमारे लिए कौन है और किनको जिताना चाहिए, तो इनसे कोई मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। मतलब कैलाश विजयवर्गीय ने कल एक बयान दिया था तुलसी लाउड के पक्ष में जो सभा करी थी, उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को चुनू और मुन्नू कहा। अभी उनकी हाइट इस तरीके की नहीं है, ये बड़े लीडर हैं और इन लोगों को आपसी में समन्वय बना के रखना चाहिए कि इस तरीके की छोटी भाषा। कैलाश जी बड़े लीडर हैं और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी उनसे ही बड़े लीडर हैं, तो इतना भाषा की मर्यादा तो उनको रखना चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर वार किया था साधु और शैतान की लड़ाई, आप किसकी लड़ाई मानते हैं? अरे सब साधु कौन है शैतान कौन है अभी समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने साधु और शैतान की बात की है तो शैतान अपने आप में मालूम पड़ जाएगा आपको।